आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तुला संक्रांति के बारे में, साथ ही हम जानेंगे इस संक्रांति के बाद 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है। वैदिक ज्योतिष अनुसार जब सूर्य बुध की राशि कन्या से शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करता है तो इसको तुला संक्रांति कहा जाता है। साल 2020 में तुला संक्रांति 17 अक्टूबर को आ रही है, अर्थात सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेगा और अगले एक महीने तक इसी राशि में रहेगा। पूरे साल में 12 संक्रांति आती है, अतः सूर्य एक महीना 12 राशियों में से हर राशि में रहते हैं। हर संक्रांति का अलग अलग महत्व होता है और हर राशि में सूर्य का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सभी के जीवन में संक्रांति काल विशेष महत्व रखता है ज्योतिष अनुसार भी, और इस काल में तीर्थ में स्नान, पूजन, दान का विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं तुला संक्रांति का ज्योतिष महत्व। देखा जाए तो सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, जिसके कारण बहुत से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस एक महीने में तीर्थों में स्नान करके पूजन, दान आदि करने को कहा जाता है, जिससे सभी के जीवन में से नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। इसी कारण दान, धर्म, पूजन की दृष्टि से ये एक महीना काफी महत्व रखता है और इस एक महीने में मां लक्ष्मी की विशेष पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी तुला संक्रांति को मां लक्ष्मी का पूजन करता है उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कुछ सरल टोटके तुला संक्रांति से जुड़े हुए, जिसके द्वारा हम सफलता को अपने जीवन में ला सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करें स्वास्थ्य संपन्नता के लिए और प्रार्थना करें। जिनके कुंडली में सूर्य नीच का हो उनको पूरे एक महीने सूर्य का दान करते रहना चाहिए और हो सके तो सूर्य शांति पूजा भी करवा लेना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस महीने में अपने उच्च अधिकारियों को उपहार में कुछ ना कुछ देना चाहिए, इससे सफलता के रास्ते खुलेंगे। अपने पिताजी का आशीर्वाद पूरे महीने लें, इससे भाग्योदय में मदद मिलेगी। जो वृद्ध भिक्षुक हैं उन्हें उनके जरूरत की चीजें भेंट करें, इससे आपके जीवन से कष्ट समाप्त होंगे। अगर सूर्य के कारण आप बहुत परेशान हैं जीवन में तो तुला संक्रांति के दिन गेहूं का तुलादान करें। अगर आप सक्षम हैं तो स्वर्ण का दान भी आप अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जो कि बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ सरल प्रयोग करके अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं 12 राशियों पर तुला संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा तो गोचर कुंडली के अनुसार मेष राशि वाले लोगों के जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। जीवन साथी से खटपट बढ़ सकती है, साझेदारी के कार्यों में परेशानी आ सकती है, पिताजी के साथ स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है, उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, अतः 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनरशिप के कामों में सावधानी बरतें, किसी से भी बहस से बचें, जीवन साथी के साथ कोई भी असमंजस की स्थिति ना बने इस बात का पूरा ध्यान रखें। सूर्य से संबंधित दान शुरू करें। वृषभ राशि 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो गोचर कुंडली के अनुसार वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध में वृद्धि होगी, साथ ही पेट में परेशानी के योग भी बढ़ेंगे।
अतः खाने पीने में सावधानी बरतें, योगासन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के साथ कोई विशेष परेशानी के योग नहीं है, परंतु अगर आपके कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो सावधानी रखें हर कार्य में। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के कामकाज जीवन में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। नौकरी या व्यापार में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, अतः सावधानी रखें और कोई चुनौतीपूर्ण कार्यों को ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के ऊपर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि का स्वामी ही नीच का होगा, जिससे सिंह राशि वालों के साथ स्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी। अचानक से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बेचैनी बनी रह सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को अपनी बोली पर विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपकी बोली के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपका गुस्सा बढ़ सकता है, कार्यों में नाना प्रकार की बाधाएं आपको परेशान कर सकती है, सर में दर्द बढ़ सकता है, अनावश्यक खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आपको मति भ्रम हो सकता है, साथ ही आप किसी से बहस में पड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। धन हानि हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को विशेष परेशानी नहीं होगी, अगर उनके कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में हो। आपके पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, इसी प्रकार का डर आपको सता सकता है। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के भूमि और वाहन सुख में कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी संबंधों में खटास आ सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को संतान के कारण कष्ट हो सकता है, विद्या प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जुआ या सट्टा, शेयर मार्केट आदि कारोबार में आप अगर हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने उच्च अधिकारियों से संभल के व्यवहार करें और छुपे शत्रुओं से सावधान रहें। इस प्रकार 12 राशि वालों पर सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने के कारण अनेक प्रकार के मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, अतः जरूरी है कि हम सावधान रहें, संयमित रहें और सभी तरफ दृष्टि जमाए रखें, उचित प्रयोग करें और सफल जीवन के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में तुला संक्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मिलते हैं इसी प्रकार अन्य उपयोगी वीडियोस में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।